हाय, गुड मॉर्निंग. जय हिंद गाइस. सो पेट का पेपर दे दिया, कैसा था? पॉलिटी देखा जाए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वैसे भी पेट पे, तो ऐसा एक्सपेक्टेड तो पहले ही था. तो इट वाज लाइक बहुत अच्छा पेपर था. ऑल द बेस्ट जिसने भी दिया होगा, जिसने भी दिया है. भगवान करे जल्दी से रिजल्ट आ जाए, क्वालिफाई करो आप, वैकेंसीज आए और सब ज्वाइन करो फटाफट. अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तो प्रिपरेशन में ही मजा आएगा. ऑलराइट गाइस, तो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम कवर कर रहे हैं, वो है पार्लियामेंट. सो कोशिश करेंगे हम इस वाले सेशन में कि कम से कम राज्यसभा तो खत्म हो जाए, राज्यसभा तक तो हम पहुंच जाए. थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो 3 4 लेक्चर लगेंगे इसमें, है ना? 4 सेशन लगेंगे. तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम करेंगे. ऑब्जेक्टिव यही है कि पीएचडी नहीं करनी है, जैसे मैं पहले से बोल रहा था, बोलता आ रहा हूँ, आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ. मुद्दा ये नहीं है कि आपको कितना आता है, मुद्दा ये है कि आपको उतना आता है क्या जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है. यहाँ पे आपने कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, कोई नेट का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना नहीं है कि आपको हर चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो आपको उतना तो आना चाहिए जितना पूछा जाता है ना? सो हमारा ऑब्जेक्टिव वही है जो हम ये पार्लियामेंट करेंगे भी. बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे, है ना? तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वो सब करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? कोई यहाँ पे हमें पीएचडी वाला मटेरियल नहीं करना है. या तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम इसको बायलिंगुअल करेंगे, तो मैंने बायलिंगुअल रखा है, ठीक है? तो बोलता तो वैसे भी हिंदी में ही था, बट अभी इस बार मैंने क्या किया है, हिंदी में लिख भी दिया है. आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नीचे मैंने भारतीय संसद लिखा है ना? तो ठीक है. सो ऐसे ही मैंने आगे भी किया है. सो पहले अगर मैं बात करूं भारतीय संसद, पार्लियामेंट, क्यों चाहिए संसद, क्यों चाहिए, है ना? तो है क्या संसद बेसिकली? तो कईयों के जवाब ही हो जाएंगे कि तब जहाँ पे कोई एक कॉमन जगह चाहिए जहाँ लोग बैठ सके, हमारे एमपीज बैठ सके. तो फिर मेरा क्वेश्चन आएगा कि एमपीज भी क्यों, ना एमपीज भी क्यों चाहिए? तो आपने एनसीईआरटी जब आप पढ़ी होगी, आप पिछली क्लासेस में जब आप पढ़े होंगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक चीज़ पढ़ी होगी. एक होता है कि आपका कहने का मतलब है कि जो रूल जो होता है, जैसे लोकतंत्र है, व्हाट इज लोकतंत्र, क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट जो है आपका, या संसद जो है, वो एक टूल है, एक उपकरण है लोकतंत्र का, ठीक है? सो पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक इमारत नहीं है, पूरा पूरा प्रोसेस है, एक एंटिटी है. समझ आया? सो लोकतंत्र, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने बोला हुआ था, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बोला था ना अब्राहम लिंकन. आई थिंक मेरे पे मैंने कहीं से, मैंने शायद डाला हुआ है लिंकन साहब को, ये देखो. सो लिंकन साहब ने बोला था कि डेमोक्रेसी जो है ना, गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है. अब्राहम लिंकन आपको पता है ना, 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के यार. ठीक है, 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें प्रेसिडेंट थे, काफ़ी मतलब रेनाउल्ड पर्सनालिटी है. तो उन्होंने बोला था कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, वो क्या है, एक जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार है. क्लियर?
अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी इतनी ही है? मतलब अगर सही मायने में अगर आप देखते हैं, सही मायने में अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में वहां पे लोगों की सरकार है, वहां पे पीपल की सरकार है, कैसे पता लगेगा आपको? क्या क्या उसके अंदर, उस पर्टिकुलर सरकार के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए, या उस पर्टिकुलर मतलब कंट्री के अंदर क्या क्या होना चाहिए जो हम इसको बोल सकें लोकतंत्र है ना? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप देखोगे तो बहुत बारी क्या होता है, मिलिट्री कू हो जाता है ना? जैसे 99 के आसपास आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो नवाज शरीफ की जब सरकार थी, कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो उस टाइम पे देखा होगा मुशर्रफ जो था, शरफ ने क्या किया था, सत्ता हथिया ली थी, है ना? ठीक है, जैसे कि मेक्सिको है, मेक्सिको कहने को एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहाँ पे क्या था, सालों साल, सालों साल एक ही गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब भाई वही एक सत्ता पे रह रहे थे और कोई भी नहीं आ रहा था। क्या आप बोल सकते हैं लोकतंत्र है? वहां चुनाव हो रहे थे, वहां भी चुनाव हो रहे थे, मेक्सिको के अंदर भी चुनाव हो रहे थे, मेक्सिको के अंदर भी लोग वोट डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। चाइना है, क्या आप बोल सकते हैं चाइना के अंदर डेमोक्रेसी? चाइना के अंदर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है ना? आप चुनाव वही लड़ सकता है जो जो पर्टिकुलर उस पार्टी से होगा, कम्युनिस्ट पार्टी जो उनकी है ना? तो क्या बोल सकते हैं हम सही मायने में लोकतंत्र है ये? तो लोकतंत्र जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उस क्या 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 बोलते हैं उसको, संगठित संगठन बॉडी, संगठन, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक लोकतंत्र बनाने के लिए, राइट? तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी जो होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं ना, वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे रूलर्स जो हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन होता है, चुनाव, ठीक है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जो शासक है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शन होता है, मतलब तो जो भी रूलर रहेगा वो कौन चुनेगा, जनता चुनेगी, पब्लिक चुनेगी, ठीक है, क्लियर है? और जो चुनी हुई सरकार है, फॉर एग्जाम्पल ये पीपल है, ये पीपल जिसको चुनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया, मोदी जी को, हमने मोदी जी को डायरेक्टली तो नहीं चुना हुआ है, बट हाँ मोदी जी को हमने क्या चुना, अपने एमपीज को चुना, एमपीज ने मोदी जी को चुना। तो कहने का मतलब ये है कि एमपी जी, देखा जाए तो मोदी जी हमसे डायरेक्टली हमने चुना हुआ है, तो जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी हैं, ठीक है, वही डिसीजंस लेते हैं। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो होगा वो हमेशा जीते हुए, मतलब चुने हुए लोग ही लें, है ना? तो लोकतंत्र में कहाँ जो प्रमुख निर्णय होते हैं, जो मेन निर्णय होते हैं, वो कौन लेता है, चुने हुए लोग ही लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जितने सारे सेक्रेटरीज हैं चुने हुए तो नहीं है, या जितनी मर्जी टॉप पोजीशन पे बैठा हो, बट जब डिसीजन की बारी आएगी तो डिसीजन कौन ले रहा होगा, हमारे मोदी जी ले रहे होंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड है, ठीक है। सो दो पॉइंट आपको याद हो गए, पहला डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं ना, लोकतंत्र में जो शासक होते हैं वो चुन 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 चु, 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 के आते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, बड़े बड़े जो मतलब चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे डिसीजन चुने हुए लोग, ठीक है। ग्यारहवा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे जो सत्ता में है उसके भी हारने के चांस होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको मेक्सिको का एग्जांपल दिया था,
मैक्सिको में क्या हो रहा था, एग्जाम तुम्हारे इलेक्शंस तो हो रहे थे बट एक ही पार्टी जीत रही लगातार, एक 10-20 साल ही आई थिंक 50 साल, इफ इन केस आई एम नॉट रॉन्ग 50 साल वही एक पार्टी जीत, बंदा ही जीता जा रहा था। तो लोकतंत्र के अंदर तीन चीजें जो अभी हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, पहला तो ये कि लोकतंत्र में जो रूलर होता है, शासक होता है, वो इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, जो भी डिसीजंस होते हैं वो निर्वाचित बंदा ही लेता है, जो भी आपने लीडर, जिसको भी आपने चुना हुआ है वही लीडर लेता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी शर्त ये भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और डेमोक्रेसी में एक और भी है, जितने भी अडल्ट हैं, सो फॉर एग्जांपल अभी क्या है हमारा 18 एंड अबव, 18 साल से ऊपर जो भी रहेगा सिटीजन जो भी है उसको क्या रहेगा, एक वोटिंग राइट मिलेगा, अनलेस अनलेस डिस्क्वालीफाई हो जाए वो किसी लॉ के अंतर्गत, अदरवाइज उसको वोटिंग के राइट्स मिलेंगे। जैसे आप 18 साल पूरे होंगे आपको क्या होगा, वोटिंग का राइट मिल जाएगा। तो आपके जो वोट की वैल्यू है, आपका जो वोट का वैल्यू है, ठीक है, या अंबानी जी है, मिस्टर अंबानी के वोट की जो वैल्यू है, दोनों की बराबर है, अभी एक वोट है और आपका भी एक, ठीक है। सो लोकतंत्र के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति अगर है तो उसका एक ही वोट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अरबों करोड़ों रुपए हैं तो मेरे वोट की वैल्यू ज्यादा हो, मेरी चलेगी ना, अब तो मेरी से ज्यादा हो गई ना। तो लोकतंत्र के अंदर क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। चारों पॉइंट याद हो गए, चुना हुआ नेता होता है, जो भी शासक होता है वो चुना हुआ होता है, शासक जो भी होता है वो चुना हुआ होता है, रूलर चुना हुआ होता है, इलेक्टेड होता है, जो भी डिसीजंस लेता है वो इलेक्टेड बंदा ही डिसीजंस लेता है, ठीक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और एक व्यक्ति का एक वोट होना मांगता है। किसी भी ना, मतलब एज, सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 अबव है और किसी लॉ के अंतर्गत आपको डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया है तो आप एलिजिबल हैं और आपकी वोट की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। दूसरी चीज है जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के काम करेगी। ठीक है, एक एक चीज यहाँ याद आती है, हिंदी में जैसे मैंने लिखा हुआ है संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकते हैं। लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है, रिटर्न क्या होता है और अनरिटर्न क्या होता है। सो रिटर्न वो है जहां पे आपकी संविधान सभा बैठी और उसने संविधान बनाया, अलिखित वो संविधान होता है जहां पे कोई इस तरह संविधान सभा नहीं बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लिखे गए हैं, बट अंतर क्या है, डिफरेंस दोनों में, एक जगह संविधान सभा प्रॉपरली बैठी और उसने पूरा संविधान लिखा और एक जगह क्या है, संविधान सभा नहीं बैठी है, कोर्ट के डिसीजंस टाइम टाइम पे आते रहे हैं तो वो उस तरह से उनका संविधान बिल्ड, कोई संविधान सभा का कॉन्सेप्ट नहीं था। लिखित जहां पे संविधान सभा थी, अलिखित जहां पे संविधान सभा नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल लिखित में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा ब्रिटेन, ब्रिटेन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो अलिखित है, उसके अंदर कोई संविधान सभा नहीं थी। क्लियर है? सो जो आपकी गवर्नमेंट है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो लिमिट्स में रहेगी और लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ेंगे संविधान में, संविधान बोल रहा हूँ, हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत
अधिकार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्टेट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं भाई मेरी सरकार है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। उनको संविधान के दायरे के अंदर रह करके काम। यहाँ तक आई होप क्लियर है, डेमोक्रेसी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डेमोक्रेसी की, वो आपको समझ आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेमोक्रेसी ना दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप की है, या तो प्रेसिडेंशियल है या फिर पार्लियामेंट्री है। प्रेसिडेंसी कैसी है? प्रेसिडेंशियल में देखा होगा आपने, अमेरिकन डेमोक्रेसी है, जो बाइडन बाइडन ना, वो ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि क्या चल रहा है उनकी सीनेट में, क्या मतलब जो उनका लेजिस्लेचर, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको ना, डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेजिस्लेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेजिस्लेचर, ठीक है। या मैंने इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। कैसे? सरकार जो है आपकी तभी तक अपने पद पर रहेगी जब तक पार्लियामेंट का उस पर विश्वास है। पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, लोकसभा में जब तक मेजोरिटी रहेगी पार्लियामेंट के अंदर तब तक विश्वास है, तब तक वो अपने पद पे रहेगी, है ना। कुछ भी रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सरकार होती है, सरकार को जैसे क्वेश्चन आवर होता है ना, सरकार को जवाब देना पड़ता है क्वेश्चन, जब भी कोई पार्लियामेंट में पूछा जाता है उसको जवाब देना पड़ता है ना। तो एक तरह से चेक है हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, ठीक है, वो सरकार के ऊपर कंट्रोल रखती है। कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको, अभी हम पढ़ेंगे जब हम बिल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये जो हम संविधान हमारा बन रहा था, हम जब संविधान लिखवा रहे थे उस टाइम पे हमारे पास भी एक क्वेश्चन सेम था कि यार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जाया जाए, है ना, या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाए, संसदीय प्रणाली में जाए या फिर प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति प्रणाली में जाए। तो उस टाइम पे अगर आप डिबेट्स पढ़ोगे, जब आप डिबेट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि होता ना एक दूध का जला जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम लोग इतने सताए हुए थे एग्जीक्यूटिव्स के, एग्जीक्यूटिव कौन, देखो जो तुम्हारा वॉइस रॉय था एग्जीक्यूटिव था, है ना, कर्जन था बंगाल का जब उसने पार्टीशन कर डाला ना, माउंटबेटन, ठीक है, तुम्हारा व्हाट यू कॉल दैट ऑफ लैब्स किसने दी थी, पॉइंट मतलब कहने का मतलब है कि हमें, हम इतने सताए हुए थे एग्जीक्यूटिव्स के, ठीक है, बंगाल में इतने सारे फेमीन्स हुए, सारा एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे थे, सारा का सारा जो धन का दोहन चल रहा था ना। तो कहते हैं कि आज का जो जला हुआ दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक पे पीता है। हुआ ये कि इतने ज़्यादा त्रस्त थे, इतने ज़्यादा घबराए हुए थे और हम नहीं चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव जो है फिर से सुप्रीमेसी आए। तो ये जो प्रेसिडेंशियल है ये पूरा एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, पार्लियामेंट चेक, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो हमारा बार बार यही पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बजाय हमने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को, मतलब सॉरी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बजाय हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट आता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये बेसिकली हमने लिया कहाँ से, कहाँ से हमने उसको उठाया, ठीक है।
सो फॉर एग्जांपल, या एक चीज मैं अभी बताने आपको भूल गया. सो एक चीज देखो गाइस, प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल में क्या है, मैं कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट की बात करते हैं, एक सेकेंड, पार्लियामेंट की बात करें, हमारा पार्लियामेंट्री है ना, तो पार्लियामेंट की बात. तो फॉर एग्जाम्पल द पीपल, हमने किया वोट, हमने वोट किया और हमने वोट करने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, एक्स वाई सी हमने चुन लिया. ये गए पार्लियामेंट में, और जो ये वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं इन्होंने भी कुछ ने, सॉरी, जो लेजिस्लेटर्स हैं इन्होंने भी चुना, और यहाँ पे गवर्नमेंट हो गई. तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है ठीक है वो डिपेंडेंट है किस पे, पार्लियामेंट पे, संसद पे. भाई इसी के ऊपर तो है, संसद नहीं चाहेगी, अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कोलेप्स हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी. तो गवर्नमेंट है अपने पद पर तभी तक रहेगी ना जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा पार्लियामेंट का, संसद के अंदर जब तक उसके पास बहुमत रहेगा तभी तक तो गवर्नमेंट रहेगी. कहने का मतलब ये है कि जब, और ये बहुमत कब खो देगी, जब कुछ ऐसा करेगी जो गलत होगा या फिर चीजें नहीं मैच करेंगी, राइट. कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ठीक है वो पार्लियामेंट के अंडर है, पार्लियामेंट चेक रख रही है गवर्नमेंट पे. और जो पार्लियामेंट है, अब जब 5 साल बाद क्या होगा, जब पार्लियामेंट दोबारा इलेक्शन में आएगी, पार्लियामेंट किसने चुना है, हमने चुना है, इंड ऑफ, हमारा चेक है पीपल. क्या हम ये बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आप. जो गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, ठीक है. और जो हमारे पीपल, जो पार्लियामेंट है वो पीपल पे हम वोट करेंगे तभी तो भाई साहब, पॉइंट. अब अगर ए इज इक्वल टू डी है, बी इज इक्वल टू, सॉरी, और बी इज इक्वल टू सी है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू सी है? कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट है रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल. प्रीएम्बल में नहीं है, वी द पीपल, सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी द पीपल का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है दैट इज फ्रॉम पीपल इटसेल्फ, है ना. तो अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, तो कौन हटा देगा, अगले 5 साल में जब इलेक्शन आएंगे हटा देंगे. मेरे में पॉइंट यहां तक समझ आया, गुड है. ये कुछ कॉमन चीजें हैं पार्लियामेंट के बारे में. सो ऑब्वियसली जो आपकी पार्लियामेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, संसदीय जो शासन प्रणाली में संसद सबसे महत्वपूर्ण अंग है. जितना भी अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, देखना सब कुछ पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, जो भी डिसीजंस हो रहे होंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, डिबेट्स हो रहे होंगे पार्लियामेंट में हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखेंगी, जितने भी बजट बजट जो कुछ भी होगा वो सारा पार्लियामेंट, ठीक है. अभी मैं जैसे मैंने बताया लोगों के प्रति जवाब दे आंसरेबल टू पीपल, और 5 साल के बाद इलेक्शन में जाना है, अगर कुछ बीच में ना हो जाए तो इलेक्शंस में जाना है, तो आंसरेबल टू पीपल है पार्लियामेंट, राइट.
और जो प्राइम मिनिस्टर है और उसका जो उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, अपोजिशन, ये पोजीशन है, पोजीशन है, ठीक है, रिमेन्स इन देयर पोजीशन अंटिल दे हैव मेजोरिटी इन लोकसभा में। जब तक उनके पास मेजोरिटी है तभी तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उनके पास संसद में बहुमत, बहुमत नहीं हुआ तब खलास, है ना, क्लियर है, बड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना थोड़ा सा। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जैसे मैं अभी बता रहा था हर चीज पार्लियामेंट के चारों तरफ ही घूमती है, ठीक है। सो संसद, संसदीय प्रणाली में जो संसद है वो सर्वोच्च है, कोई भी नहीं है। संसद सुप्रीम, संसद ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या आगे बढ़ते हैं, जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने लिया है वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये इंग्लैंड का ही है। इस मॉडल में बेसिकली है क्या, इसमें दो चीजें हैं, एक बाइकैमरलिज्म है और एक जो सत्ता का मूल मंत्रिमंडल, जो सत्ता का जो मूल है वो मंत्रिमंडल, जो पूरा का पूरा पावर है, जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो कैबिनेट, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि बेसिकली ध्यान रखो बाइकैमरलिज्म है, वे सदनीय विधानमंडल है, और जो पावर का, जो सत्ता का जो मूल केंद्र है वो मंत्रिमंडल, सत्ता का मूल केंद्र जो है मंत्रिमंडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल में बाइकैमरलिज्म है, सदनीय विधानमंडल है, कोर ऑफ पावर क्या है, कैबिनेट, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये बाई कैमरलिज्म, जो बाई है ना, ये बाई कैमरलिज्म एक लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। बाई सबको पता है क्या होता है, तो ये एक दो वाला दो है, दो वाला दो नहीं है, ठीक है। हमरा, हमरा का मतलब होता है, लिखा भी होना है, चैम्बर के मतलब टू चैम्बर्स, मतलब टू हाउसेस, ठीक है। बाइकैमरलिज्म में क्या हो जाएगा, दो हाउसेस दो चैम्बर्स, एक हो गया आपका अपर हाउस, एक हो गया आपका लोअर हाउस। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में बोलते हैं, हमारे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसको, ओके। नाउ क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, ये क्या मतलब है अपर हाउस लोअर हाउस, दिमाग में आ रहा है ना कि क्या है ये अपर हाउस क्यों, ये लोअर हाउस मतलब क्या, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था गाइस, अराउंड 1200 के आसपास, पहले तो हिसाब किताब ऐसा था, इंग्लैंड में शाहजहां टाइप वाला हिसाब किताब था, जो राजा ने बोल दिया वही होगा। या फिर आपने देखा होगा रनिंग नीड पढ़ा था, जहाँ पे बिग बैंग है ना, उसके बाद थोड़े थोड़े राइट्स देना स्टार्ट हो गया, सब कुछ होना, धीरे धीरे करके लोग जनता की सुनने लगे राजा लोग। तो उसी दौरान क्या हुआ, अराउंड 1200 के आसपास इनको इंग्लैंड में ही है ना, 1200 के आसपास किंग ने क्या किया, जो लोग थे ना जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मतलब जिनके पास ज़मीनें थी, लैंडलॉर्ड्स हो गए, बैरन्स हो गए है ना, बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग होते थे, जजेस वगैरह हो गए है ना, मतलब उनके क्लोज हो गए, मर्चेंट्स हो गए, बड़े बड़े मतलब काफ़ी रिच रिच लोग हो गए। तो मतलब कहानी ये है कि सोसाइटी के जो ऊंचे तबके के लोग थे ना, उनको ने क्या कि ग्रुप बना लिया। तो कभी भी कोई डिसीजन लेना होता था ना, जैसे कहीं टैक्स पढ़ाने हैं, कुछ कर रहा है, कंसल्टेशन के लिए क्या करता था वो किंग, इन लोगों को बुला लिया करता था। अब चूंकि ये सोसाइटी के ऊपर के लोग थे ना, अपर लेवल के लोग थे, ऊपर वाले तबके के लोग थे, इस वजह से इसको अपर हाउस बोलता था। तो
तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी पावर्स ज़्यादा हैं उसकी पावर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना सिर्फ यही है, कॉमनली हम बोल देते हैं कि अपर हाउस लोअर हाउस, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये वाला कौन और इनको जो कानून लेजिस्लेशन का जो पावर मिला था ना, कानून बनाने की जो ताकत मिली थी वो 1500 के आसपास मिली थी। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस या लोअर हाउस या राज्यसभा लोकसभा। तो अगर ये देखा जाए तो ना तो राज्यसभा बोलते हैं कि अपर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। तो अगर इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए ना, अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो दोनों हाउस में बहुत बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अगर एक मनी बिल आप छोड़ दोगे ना, बाकी सारी जगह पे राज्यसभा और लगभग लगभग बराबर है ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि राज्यसभा जो है वो सेकेंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस है ना। कहने का मतलब ये सेकेंडरी हाउस नहीं है, सेकेंड हाउस है। वो यही कहना चाहते थे कि जो राज्यसभा है उसकी पावर्स जो है, अगर उसकी ताकत देखी जाए तो राज्यसभा और लोकसभा बहुत ज्यादा डिफरेंट। राज्यसभा एक सिर्फ दूसरा हाउस है। ठीक है, यहां तक समझ आया, मेकिंग सेंस? तो राज्यसभा जो है वो सेकंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस नहीं है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बोला था। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। आगे चलते हैं भाई साहब, राज्यसभा। ओके, राज्यसभा, राज्यसभा जो है फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये राज्यों की आवाज है, क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, तो जरा चलता हूँ उस पर। हाउस हो गए पार्लियामेंट में, ठीक है, एक कौन सा है, लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा जो है हमारी वो संघवाद या फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, तो राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है, सो फॉर एग्जांपल आपने वोट किया, या आप है, आपने वोट किया और आपने चुना कौन, एमएलए, मेंबर ऑफ, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है। ये एमएलए क्या करते हैं, ये वोट करते हैं और चुनते हैं एमपी राज्यसभा के। पढ़ेंगे कैसे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राज्यसभा है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो लोकसभा में भी होता है ना, लोकसभा में भी होता है, इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट राज्य से, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से लोग आते हैं। बट राज्यसभा जो होती है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली, ठीक है, थोड़ा सा और स्पेसिफिकली क्या करते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा राज्यसभा में क्या होता है कि एमपी जो एमएलए थे, एमएलए ने क्या किया, वो वोट करके, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो आप बोलोगे इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट बोलोगे आप, तो कुल मिला के राज्यसभा में स्टेट्स का ज्यादा होता है। ठीक है, राज्यसभा का ज्यादा होता है।
राज्यसभा का ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है ये फेडरलिज्म का, राज्यसभा, ठीक है। एक चीज और है, अगर आपको याद होगा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ये केस मैंने नहीं पढ़ाया है अभी तक आपको, फंडामेंटल राइट्स में आपको कराऊंगा, है ना। तो बेसिकली वो केस क्या था कि आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, या फिर आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर है, तो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, वही ना, कोई ऑर्डर लेजिस्लेशन, कोई भी एक्शन एक्ट जो है ना, जो भी वायलेट करेगा पार्ट 3 को, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, ठीक है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये केस चल रहा था कि आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है, आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर है। तो इस केस के अंदर क्या बोला गया कि दो आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है, लेकिन पार्लियामेंट जो है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी अमेंड कर सकती है पार्टी, पार्लियामेंट। हमारे जो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी चेंज कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये जो फेडरलिज्म है, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खत्म किया जा सकता, दैट मीन्स राज्यसभा भी अबॉलिश नहीं की जा सकती, ये परमानेंट हाउस है। ये क्या है, परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का क्या मतलब है, परमानेंट हाउस का मतलब ये है कि लोकसभा जो होती है, तो पता है 5 ईयर्स के बाद वो खत्म हो जाती है, पहले भी अबॉलिश की जा सकती है, बट राज्यसभा जो होती है वो अबॉलिश नहीं की जा सकती, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके मेंबर्स जो होते हैं, ये कंटिन्यूअस हाउस है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इसके मेंबर्स आते जाते रहते हैं, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कहाँ लिखा है पार्लियामेंट होगी, वेयर इट इज रिटन कि पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल 79 बोलता है, लिखा होगा कहीं पे, आई डोंट नो, लिखा होना चाहिए। आर्टिकल 79 सेज, शायद नहीं लिखा मैंने कहीं, अच्छा लिखा है। सो आर्टिकल 79 कहता है कि आर्टिकल 79 बोलता है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द, ठीक है। ये आर्टिकल 79 क्या कहता है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि एक पार्लियामेंट होगी, यहाँ क्या लिखा है, शैल, शैल का मतलब है ये मैंडेट है, ऐसा पार्लियामेंट होगी ही होगी, ठीक है। और पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन होगा, एक तो प्रेसिडेंट होंगे और एक लोकसभा और राज्यसभा। गलती मत करना है यहाँ पे, बहुत बारी लोग गलती कर जाते हैं जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लोकसभा
राज्यसभा, थर्ड प्रेसिडेंट, फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट, और ऑप्शंस हैं आपके वन टू फोर, वन टू थ्री, थर्ड वन टू थ्री फोर एंड फोर्थ नन। आंसर होगा, बताया आंसर क्या होगा, आप कमेंट कमेंट करके मुझे बता देना। सो जैसे भी बताया था आर्टिकल 79, मैंने बताया ही था आर्टिकल 79 क्या कहता है, अनुच्छेद 79 की संसद का कौन पार्ट होगा, कि लोकसभा होगा, राज्यसभा भी होगा और प्रेसिडेंट साहब होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, बट संसद के सदस्य नहीं है। प्रेसिडेंट साहब जो है ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखना। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का पार्ट है, वो संसद का हिस्सा है वो, लेकिन संसद का, संसद के मेंबर नहीं। गलती मत करना, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, राज्यसभा इसके बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है। तो अभी तो हमने देख लिया 79 में, हमने पार्लियामेंट देख लिया था। आर्टिकल 80 के अंदर लिखा है अनुच्छेद 80 में क्या क्या लिखा है, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कंपोजिशन बताया गया आर्टिकल 80 के अंदर। इसमें क्या बताया है कि 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करेंगे, 12 लोग जो है लोगों को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करेंगे, और ये मैक्सिमम है, और 238 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। क्या बोलता है ये कि 12 मेंबर्स आप क्या करोगे, नॉमिनेट कर देंगे प्रेसिडेंट साहब, 238 मेंबर्स जो है इलेक्ट होके आएंगे। तो ये नॉमिनेशंस होंगे 12, ये जो नॉमिनेशंस होंगे कौन कौन सी कैटेगरी से होंगे, आर्ट्स, साइंस, आर्ट साइंस लिटरेचर, और स्पोर्ट्स, ध्यान रखना ये, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में है, हमें आ जाती है, याद आ जाती है न्यूज़, सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था पार्लियामेंट के लिए, और हम गलती कर जाते हैं, हम बोल देते हैं अच्छा अच्छा एक लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, और एक स्पोर्ट्स हो गया, क्योंकि हमें सचिन तेंदुलकर याद आ जाता है, याद आ जाते हैं, ठीक है। सो स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखना ये कोई कैटेगरी है ही नहीं। प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था ना, प्रेसिडेंट साहब ने जो सचिन को नॉमिनेट किया था वो किया था आर्ट्स में, ठीक है। तो जो चार एरियाज हैं जहां से प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, एक लिटरेचर है, आर्ट्स साइंस एंड सोशल सर्विस, आर्ट्स साइंस लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ठीक है। किसको नॉमिनेट करेंगे इन सारे सेक्टर्स में से प्रेसिडेंट साहब, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, इन फील्ड्स में से स्पेशल नॉलेज होगी, और वो प्रेसिडेंट साहब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ जी ये पर्टिकुलर लोग हैं, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इनको डोमेन की अच्छी सी नॉलेज है, उनको नॉमिनेट करेंगे।
करेक्ट है। अब ये किस स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं, तो वो कहाँ लिखी हुई हैं? फोर्थ स्केड्यूल है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री जो स्टेट है उसके अंदर कितनी राज्यसभा की सीट्स है। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक बता दूं टर्म भी आप लोगों को। सो अभी हमने बता दिया 12 लोग नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, कहाँ से करेंगे? आर्ट्स में करेंगे, साइंस में कर सकते हैं, लिटरेचर से कर सकते हैं, प्लस सोशल सर्विस में से कर सकते हैं। ठीक है, 238 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होके आएंगे। अभी इलेक्शन में बताऊंगा कैसे इलेक्शन होता है। ठीक है सर, ठीक है, कूल है, आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ राज्यसभा विभाग के, करके मुझे डिलीट करना पड़ेगा। चलो आप लोग बताओ, अच्छा टर्म क्या है, मतलब कितने ड्यूरेशन तक राज्यसभा जो है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? क्वेश्चन है सबके लिए, मैं पूछता हूँ। टर्म्स ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन वन 6 ईयर्स, ऑप्शन टू 5 ईयर्स, ऑप्शन थ्री 4 ईयर्स, ऑप्शन फोर नन ऑफ द अबव। बताओ बताओ बताओ। ये मैंने ऑफलाइन पूछा था अभी जब मैंने ये क्लास ली थी ना इंस्टीट्यूट में, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ अच्छा राज्यसभा का टेन्योर क्या है। मोस्टली 90% लोग थे 6 ईयर्स, कुछ अराउंड 5-6% थे 5 ईयर्स वाले, 5-6% होंगे, 6% आसपास, ठीक है, 5 से 6 ऐसे होंगे। हाँ 4 साल वाले भी 2-3% थे मतलब, और शायद एक या दो लोग जो थे नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव कुछ लोग थे, राइट। सो आपको क्या लगता है क्या आंसर है? द आंसर इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों नन ऑफ द अबव? वो इसलिए मैंने आपको बताया था, जो आपका राज्यसभा है वो आपका परमानेंट हाउस है। अपार्टमेंट लिख दिया मैंने, परमानेंट हाउस, वो कभी भी अबॉलिश नहीं होता। ठीक है, सो राज्यसभा का जो टर्म है वो है इनफाइनाइट, 6 साल नहीं है। लेकिन जो तो राज्यसभा के एमपी हैं उनका टर्म कितना है? 6 ईयर्स। उनका टर्म कितना है? 6 साल है। ठीक है, तो ये होता कैसे है? होता क्या, देखो इसमें ना
एक साइकिल है, बताता हूँ आपको। जैसे ये एक साइकिल है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मतलब अवार्ड अवार्ड मिल गया है मुझे 15-16। आई गेस अच्छा सा बन जाएगा। ऐसा कुछ, ये साइकिल है, टाइम का साइकिल है। सो अभी हम बात कर रहे हैं, हमें 2023 में, ठीक है। लेट्स सपोज अभी कोई आता है, ठीक है, ये 2-2 साल का बना देते हैं। ये 2 साल का है टेन्योर यहाँ पे, ये 2 साल है और ये वाले 2 साल है, सो होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं कि ये मान के चलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये है मान लेते हैं 2023 से 2025, और ये वाला है 2025 से लेकर के 2027, और ये वाला है 2027 से लेकर 2000 ना, 23 से स्टार्ट हुआ था। अब होगा क्या, ये अगली जब ये 2 साल जब हो जाएंगे ना, जब ये आगे इधर बढ़ेंगे, कि आगे इधर बढ़ेंगे तो इस वाले स्लैब में पहुंच जाएंगे 2025-27 वाले में। इनको कितने साल हो जाएंगे, 4। इसको यहाँ पे, इनको यहाँ पे 4 साल हो जाएंगे, है ना। ये वाले इनको 4 साल हो जाएंगे, ये वाले इधर मूव हो जाएंगे, जब इधर आ जाएंगे, है ना, अगले 2 साल में इधर मूव हो जाएंगे और ये फिर बाहर चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये यहाँ से होके इधर जाएंगे, ये वाला घर खाली हो जाएगा, तो जैसे ही घर खाली हो जाएगा इसको फिल करने के लिए और मेंबर्स। मतलब होता क्या है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं, 1/3 मेंबर जो होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं और नए बंदे आ जाते हैं। राज्यसभा जो मेंबर्स होते हैं वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, रीइलेक्ट हो सकते हैं, रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं जी, ठीक है। सो आपको समझ आ गया कि टेन्योर कितना है राज्यसभा का। एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, एक एमपी है राज्यसभा के, वो 2022 में निर्वाचित हुए, और उनका देहांत मान लेते हैं दिसंबर तो निकला भी नहीं, अक्टूबर में मान लेते हैं, अक्टूबर 2023 में हो गया। अब यहाँ इसकी वजह से क्या हो गया, ये हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्तियां, रिक्ति, राइट। अब मुझे आप बताओ, जो ये सांसद है अक्टूबर 23 में, जो इनकी डेथ हो गई है, जो चुन के आएगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये नवंबर में ही आ गए, ठीक है, नवंबर 23 में आ गए, तो क्या ये नवंबर 2029 तक काम करेंगे, या लेट्स सपोज ये जैन में आए थे, तो जैन में हो सकता है इलेक्शन हुआ हो, जैन में आए थे, ठीक है, कोट मत करना डेट्स को, क्योंकि 2 साल का होता है वो डिपेंड करता है ना। तो क्या ये जैन 20 में इलेक्शन हुआ था, 20, हाँ 20 में हुआ ना इलेक्शन, ये जैन 26 तक रहेंगे, ठीक है, कहाँ तक, जो नया एमपी आएगा ना, ये इनकी तो डेथ हो गई, जैसे डेथ हो गई तो सीट खाली हो गई, सीट जब खाली होगी तो जो नया बंदा आएगा वो कब तक रहेगा,
नवंबर 2019 तक रहे, 2029 तक रहेगा या जनवरी 2026 तक रहेगा? छह साल पूरे नहीं करेगा मेरे भाई, पूरे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान दो। हर 2 साल के अंदर बंदा रिटायर हो रहा है, हर 2 साल के अंदर वन बाई थर्ड मेंबर से रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे अगर कैजुअल वैकेंसीज में ऐसे कुछ किया जाएगा, घपला, तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी, खिचड़ा नहीं बन जाएगा, कैसे होगा फिर मैनेज? ठीक है, तो जो नया बंदा इलेक्ट होके आएगा वो उतने टाइम टेन्योर तक ही रहेगा जितना पहले वाले का बचा हुआ। ये बंदा रहेगा 26 जनवरी 26 तक। कैजुअल वैकेंसी का ध्यान रखना मेरे भाई लोगों, ठीक है। इस वाली स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा, जो राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, पहला 79 में तो हमने पढ़ा पार्लियामेंट, संसद क्या होती है, शेल बी ए पार्लियामेंट, कौन कौन होगा संसद में, लोकसभा, राज्यसभा होगी, और कौन होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा, इतना ध्यान रखो गाइस। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो हिस्सा है संसद का, बट वो संसद के सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है। अब आता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का जो, जो जैसे लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है, लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है। सिमिलरली राज्यसभा में जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब। वो क्या बोल, ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, एक्स ऑफिशियो या पदेन का क्या मतलब होता है, वो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। क्या बोलते हैं उनको, चेयरमैन बोलते हैं। तो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। के पदेन अध्यक्ष का ही मतलब होता है कि कुर्सी की वजह से आप, अगर मैं, अगर आज वाइस प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो जाऊंगा, अध्यक्ष बन जाऊंगा राज्यसभा का। ठीक है, क्लियर है? ये छोटे 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 टॉपिक्स बचते हैं, इलेक्शंस टू राज्यसभा कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है, हम डायरेक्टली, आप कभी याद है आप राज्यसभा में, राज्यसभा के इलेक्शंस में आपने पार्ट लिया हो? नहीं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे है, आपकी आपकी जगह, ठीक है, या आपकी तरफ से तो इस इलेक्शन में वोट करते हैं, वो कौन करते हैं, विधायक, विधायक लोग जो है वो वोट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या आता है, जनसंख्या के हिसाब से सीटें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी उसकी सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, बड़ा है, सीटें ज्यादा रहेंगी, समझ आया? गोवा छोटा है, कम जनसंख्या है, सीटें कम रहेंगी ना।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सब जो वोट होगा, जो विधायक का वोट रहेगा वो सिंगल ही होगा, बट वो ट्रांसफर हो सकता है ना। जब हम प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊंगा, या आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये भी क्लास है, अदरवाइज ये आई थिंक हमें ये कल दोबारा से करना चाहिए, इलेक्शंस टू राज्यसभा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ी सी टर्म्स ऐसी हैं जो शायद आपको ना समझ आई हो, तो ये हम कल एक बारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकेंड राज्यसभा का, उसमें हम इसको दोबारा से कवर करेंगे। ठीक है, होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, वो आप बोलें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर कोई भी आपको दिक्कत रहती है, कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी होता है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी मैंने सामने लिखी हुई है, रविंद्र अंडरस्कोर IAS, टेलीग्राम चैनल है मेरा रविंद्र सिंह अंडरस्कोर IAS। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं वेट करना पड़ेगा, हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप होता है ना, आप कोर्स हम लाइव करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे लाइव सारे कोर्सेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम पार्लियामेंट करेंगे सेकंड। ठीक है।